मंदिर खूब जाणीतु छे अने चमत्कार खूब जूनो। ईडाणा माता मंदिर विशे तमे कदाच सांभळ्यु हशे। कहेवाय छे के अहीं माताजीनी मूर्ति आप मेळे अग्नि स्नान करे छे। अग्नि क्यारे प्रगटे छे ते कोई नथी जाणतो। अग्नि केवी रीते प्रगटे छे ते कोईने खबर नथी। पण आग केवी रीते लागे छे ते बधा जाणे छे। कहेवाय छे के आ माताजीनो चमत्कार छे। ज्यारे भक्तोथी खुश थाय छे त्यारे अग्नि प्रगटावीने भक्तोने आशीर्वाद आपे छे। माताजी प्रसन्न होती है तब अग्नि स्नान करती है। जब भी माता रानी की इच्छा होती है, अभी इनकी इच्छा हो जाए अभी भी आग लग सकती है। एक अपने आप में एक चमत्कार ही है माता जी का। पूजा करता समय लोगों ने कई सड़गी रहु होवानी गंध आवे छे। चुंदड़ी ना ढगला माथी धुमाड़ो प्रगटे छे। अचानक माता जी नी मूर्ति आग थी घेराई जाए छे। कहेवाय छे के आ माताजीनो चमत्कार छे, छता पण आग लागवानुं कोई तो कारण हशे, कई तो हशे। मूर्ति सामे चुंदड़ीनो ढगलो, मूर्ति सामे घीथी भरेलो डब्बो अने बाजुमां दीवो। हवे अमारी टीम शोधशे के आग केवी रीते प्रगटे छे। કોઈક તો કારણ હશે, નહીતર એવું કેમ થાય કે આપ મેળે જ અગ્નિ પ્રગટે? પણ લોકોનું માનવું છે કે રાજસ્થાનના ઉદયપુરના માતાજીના મંદિરમાં કોઈ ચમત્કાર જરૂર છે। અહીં માતાજી અગ્નિ સ્નાન કરે છે, મૂર્તિમાં આપ મેળે જ આગ લાગી જાય છે। ક્યારેય પણ હજારો લોકોની સામે આ ચમત્કાર થાય છે, પણ કેટલાય લોકો એવા પણ છે જે આ વસ્તુને ચમત્કાર નથી માનતા। કહે છે કે આગ લાગવાનું કોઈ ના કોઈ કારણ જરૂર હોય છે જે લોકોને દેખાતું નથી અને જેને ચમત્કાર માનવામાં આવે છે। અમે મંદિરના લોકો સાથે વાત કરી અને તેમણે કહ્યું કે તમે પડતાળ કરો કે દરેક વખતે તમારી પડતાળમાં ચમત્કાર જ નીકળશે। આ કોઈ દુર્ઘટના નથી, ન મંદિરમાં કોઈ આગ લાગી છે। આ રાજસ્થાનનું ઈડાણા માતા મંદિર છે। આ તે દાવાની તસવીર છે જેની પડતાલ અમારે કરવાની છે। કહેવાય છે કે મંદિરમાં રાખેલી માતાજીની મૂર્તિ અગ્નિ સ્નાન કરે છે। ક્યારે પણ કોઈ પણ સમયે આગની જ્વાળાઓ પ્રગટવા માંડે છે, પણ આગથી મૂર્તિને કંઈ થતું નથી। મૂર્તિના કપડાં પણ નથી બળતા, માટે લોકો તેને ચમત્કાર કહે છે। આ તો તે વાતો છે જે મંદિરના ચમત્કારને લઈને કહેવામાં આવે છે, સાંભળવામાં આવે છે, પણ તેનું સત્ય શું છે તે તો અમારી ટીમ જ શોધશે। જો બોર્ડ આપકો દિખાઈ દે રહા હૈ, યહાં સે 6 કિલોમીટર દૂર વો ચમત્કારી મંદિર હૈ જહાં પર માન્યતા યે હૈ કે માતા અગ્નિ સ્નાન કરતી હૈ। પૂરી પ્રતિમા આગ મે સમા જાતી હૈ ઓર ઉસકે બાદ એસા લગતા હૈ જૈસે સબ કુછ જલકર રાખ હો જાયેગા, લેકિન ચમત્કાર યે હોતા હૈ કે કુછ દેર બાદ વો આગ ઠંડી હો જાતી હૈ ઓર ઉસકે બાદ વાપસ સે ઉસ મૂર્તિ કો પ્રતિમા કો ઉસી તરહ સે સજા દિયા જાતા હૈ। તો અગ્નિ સ્નાન કે બારે મે મેને સુના ભી, પઢા ભી, ઉસકે બાદ મેને યુટ્યુબ પે બહોત સારે વિડિયોઝ ભી દેખે, લેકિન સમજ મે યે નહીં આયા कि आग लगती कैसे, और अगर लगती है और इतनी रेगुलरली लगती है तो जाहिर है उसके पीछे कुछ वजह होगी। टारगेट हमारा सामने है, मंदिर चलेंगे और सब कुछ सिलसिलेवार ढंग से पता लगाने की कोशिश करेंगे। दीवो, हवन कुंड, अगरबत्ती, आग लागवाना केटलाय कारणो मंदिर मा होय छे, आ बधु आ मंदिर मा पण छे। तेवामा आग लागवी चमत्कार केवी रीते थयो? મંદિર પહોંચતા જ અમને ધુમાડો જોવા મળ્યો, જરૂર ક્યાંક આગ લાગી છે।
પણ આ આગ મૂર્તિની નહીં પણ મંદિરની બહારના હવનકુંડની હતી, જ્યાં લોકો માનતા માને છે। मन्नतों का सिलसिला चलता रहता है, लोग आते हैं अपनी मन्नतें मांगते हैं और जब मन्नत पूरी हो जाती है तो बलि चढ़ाते हैं, बकरे की, मुर्गे की, जो भी होता है। लेकिन यहाँ पर ये सारी चीज़ें होती हैं, पर जो सबसे अहम चीज़ है अग्नि स्नान, वो यहाँ नहीं, वहाँ ऊपर वो जो मंदिर का रास्ता है वहाँ होता है। आ कोई बहुमोटू मंदिर नहीं, अंदर प्रवेशता ज माताजी की मूर्ति जोवा मळे छे। आज ते मूर्ति छे जे दावा मुजब आप मेळे अग्नि स्नान करे छे। आग लगनी कहाँ से शुरू होती है सर? जैसे शॉर्ट सर्किट होता है, आपने जैसे बिजली गिरती है, आकाशीय बिजली, उस टाइप की बिजली के तार जैसा गिरता है, और जैसे ही गिरता है तो कहीं माता जी के ऊपर पीछे जो कपड़े वगैरह हैं उसके ऊपर ही गिर जाता है और वहाँ से अग्नि प्रकट हो जाती है। और फिर तो आस पास 10 किलोमीटर की रेंज में लोगों को पता चल जाता है कि माता जी अग्नि स्नान। આ મંદિરમાં ગર્ભગૃહ નથી, છત પણ ગાયબ છે, મૂર્તિ ખુલ્લા આકાશ નીચે છે। મૂર્તિની પાછળ માતાજીને ચઢાવવામાં આવતી ચુંદડીઓ રાખવામાં આવે છે। દાવા મુજબ આગ આ જ ચુંદડીના ઢગલામાં લાગે છે। થોડા સમય સુધી અગ્નિની જ્વાળાઓ જોવા મળે છે, પછી આપમેળે જ ઓલવાઈ જાય છે, પણ મૂર્તિ પર આગની કોઈ અસર નથી થતી। આગ જો હે વો હંમેશા અપના એક્સપાન્શન ચાહતી હે, ફેલતી હે, अपना रास्ता खुद बनाती है। उस आग का जो शेप बरसों बरसों से चला आ रहा है, जैसे वो जलती है वैसे स्वयं बुझती भी है, और वो जो पर्टिकुलर एक एरिया है उसको छोड़ करके वो आग बाहर नहीं जाती, चाहे उसके पास कितना भी ज्वलनशील पदार्थ रखा हुआ हो। मतलब वो एक जो पीछे का एरिया है उसी के अंदर से वो जो जो माता जी के आस पास के जो सराउंडिंग्स हैं उसी पर वो सारी आग जो है आप देखें क्यों चलेगी ना। आगे अगर कहीं कोई सूखा पड़ा है या कोई बिल्डिंग है या उसको वो टच करेगी, या ना कोई आगे कोई दरवाजा है उसको टच करेगी। बरसों से ये चीज चली आ रही है। दावो तेज छे के आ मूर्ति अग्नि स्नान करे छे। दावा मुजब आ मूर्ति पण अद्भुत छे। तमने ते जाणीने नवाई लागशे के आ कोई हाथ थी बनावेली मूर्ति नथी। આ મૂર્તિ પથ્થરમાંથી ઉપસી આવી છે, જેમાં માતાજીની મુખાકૃતિ જોવા મળે છે। ये जो पूरा आपको दिखाई दे रहा है ये बेसिकली एक रॉक फेस है, मतलब एक पहाड़ी है, उसका आगे का हिस्सा है। जो बाकी सारी आपको बनावट अभी दिख रही है यहाँ पर, जो फेस है, आंखें हैं, ये मुकुट है, ये सब श्रृंगार का हिस्सा है, मतलब ये बाद में एड ऑन्स किए गए हैं। पहले ये सब नहीं था, यहाँ पर सिर्फ एक पत्थर हुआ करता था, एक पहाड़ी, पहाड़ी के ऊपर एक रॉक फेस जिसके ऊपर एक आकृति, एक प्रतिमा बनी हुई थी, और वो जो उसका बेसिक स्ट्रक्चर है वो आज भी वैसा का वैसा है। ये कुछ भी ऐड नहीं किया गया है, ये सिर्फ जो ये आगे आपको पत्थर दिखाई दे रहा है ये ग्रेनाइट का पत्थर यहाँ पर ऐड किया गया है, वो भी सिर्फ इसलिए कि जो मिट्टी दरकती थी वो दरकना बंद हो जाए। आग लागवानो कोई नक्की समय नथी, क्यारे पण लागे छे। लोकोना कहेवा मुजब आ चमत्कार महिनामां बे वार पण थाय छे, तो क्यारेक बे वर्ष सुधी पण आ अग्नि ज्वाळाना दर्शन नथी थता। ત્યારે અમે જોઈશું આગ લાગે છે કે નહીં। આ આગ લાગે તો ઠીક, ન લાગે તો જૂની તસવીરો તો છે। જો આ ચમત્કાર છે તો અમારે જોવાનું છે કે આ ચમત્કાર થાય છે કેવી રીતે। चीज के पीछे कोई ना कोई वजह होती है, अगर आग लगती है तो उसके पीछे कोई ना कोई ऐसा रीजन होगा जो हमें यहाँ पर मिल सकता है। यही सारी चीजें तलाशनी है, आग क्यों लगती है, कैसे लगती है, कब लगती है, और आखिर लगती है तो किस लिए, क्या वजह है, और कब से ये सिलसिला चल। आगळ वधता पहला केटलीक बातों ने समझवी जरूरी छे। मंदिर में ज्या मूर्ति राखवामां आवे छे तेनु स्वरूप कंईक आवुं छे। અહીં મૂર્તિ છે, મૂર્તિ પાછળ ચુંદડી રાખવામાં આવે છે, આગ આ ચુંદડીના ઢગલામાં લાગે છે। હવે આ દ્રશ્ય પર નજર નાખો, જ્યાંથી સૌથી વધુ જ્વાળાઓ ઉઠી રહી છે,
ત્યાં જ ચુંદડીઓ રાખવામાં આવી છે। આગ મૂર્તિની આસપાસ પણ છે પણ અસર ઓછી છે। દાવો પણ તે જ છે કે આગ આપમેળે જ લાગે છે। પાછળ લગાડવામાં આવેલી ચુંદડીઓ બળવા માંડે છે પણ મૂર્તિને કંઈ થતું નથી। આગ કેમ અને કેવી રીતે લાગે છે તેને લઈ કેટલીય વાતો કરવામાં આવે છે। લોકો કેટલાય સવાલો કરે છે, અમે આ સવાલોના જવાબો શોધવાનો પ્રયત્ન કરીશું। आग लगने की कोई ना कोई वजह होती है और अमूमन शॉर्ट सर्किट ही इसकी वजह होती है। तो सबसे पहला सवाल ये है कि क्या प्रतिमा के आसपास कोई वायर्स हैं, तार हैं जिनमें बार बार शॉर्ट सर्किट होता है और ये आग भड़क जाती है। क्या मंदिर के आसपास कोई गैस या पेट्रोल की पाइपलाइन तो नहीं है जिससे गैस और पेट्रोल रिसता हो और बार बार उनमें आग लगती रहती हो। तो तीसरा सबसे अहम सवाल यह है कि क्या ये आग अपने आप लगाई जाती है ताकि मंदिर बहुत ज्यादा फेमस हो, ज्यादा से ज्यादा लोग आए और ज्यादा से ज्यादा चंदा आ सके। आ सवाल हमारा नहीं पण ते लोकोना छे जे मंदिर साथे जोड़ायेला दावाओं ने फगावे छे। तेओ जे मूर्तिना अग्निस्नान नी वातो करे छे ते आ सवालों ने फगावे छे। હવે અમારે તે શોધવાનું હતું કે શું કારણ છે કે મંદિરમાં દીવો, હવન, ઘી અને ચુંદડી હોવા છતાં આગ લાગવું ચમત્કાર માનવામાં આવે છે। તો આખરે શું છે આ મૂર્તિની પાછળ એવું કે જ્યાં આપ મેળે જ આગ લાગી જાય છે? આ વિશે આગળ વાત કરીશું એક બ્રેક બાદ। માણસનું મગજ તો તે જ કહે છે કે આગ આપમેળે ક્યારેય નથી લાગી શકતી, તેને લાકડું કે કપડાં જેવી કોઈ વસ્તુ મળી જાય તો ઘેર જરૂર વર્તાવી શકે, પણ આ મંદિરમાં એવું કશું જ નથી। લોકો કહે છે કે માતાજી જ્યારે ભક્તોથી પ્રસન્ન થાય છે તો મૂર્તિની પાછળ જે ચુંદડીઓ છે તેમાં આકરી પ્રગટે છે, પછી થોડી વાર પછી બધું જ શાંત થઈ જાય છે। ઈડાણા માતાજીના મંદિરમાં આગ કેવી રીતે લાગે છે? શોર્ટ સર્કિટથી, કોઈ ગેસ પાઇપલાઇનથી કે પછી કોઈ અટકચાળા કરે છે? આ મંદિરમાં લોકોની પૂરી આસ્થા છે પણ જે ચમત્કાર પર વિશ્વાસ નથી કરતા તેઓ કેટલાય સવાલ પૂછે છે। અમે પણ તે સવાલોના જવાબ શોધવામાં જોતરાયા હતા। પહેલા અમારે તે જોવાનું હતું કે મૂર્તિ પાસે આગને ભડકાવનારી કઈ કઈ વસ્તુ છે। સૌથી પહેલા નજર પડી ઘીના ડબ્બા પર। યહાં પર યે પ્રસાદ મે જો લોગ ઘી ચડાતે હૈ વો યહાં પર રખા જાતા હૈ ઇસ ડબ્બે કે અંદર। યે ડબ્બા કરીબન કરીબન આપ સમજીએ એક સે ડેઢ મીટર સે ભી જ્યાદા કી દૂરી હૈ જો પ્રતિમા હૈ ઉસસે। इस डब्बे की बिल्कुल अनटच है, किसी चीज से छूता नहीं है, सिर्फ घी होता है इसके अंदर। घीनो डब्बो मूर्ति थी दूर छे, आग थी संपर्क मुश्किल छे। पची अमे मूर्ति नी एकदम पाछड़ पहुंचा जहां चुंदड़ियो भेगी करवामा आवे छे। अब सजन दास जी हैं जो मुख्य पुजारी हैं मंदिर के, मुझे बताइए आप वहां पर डालते रहते हैं माता जी के ऊपर, जब बहुत सारी हो जाती हैं तो क्या करते हैं? यहाँ ला के गिटार बांध के ऊपर डाल देते हैं माता। अच्छा, यहाँ ला के ये जो लाए हैं सारी वहां से लेकर आए हैं, फिर इसे गिटार बांध के माता जी के ऊपर डाल देते हैं। कुछ इसके अंदर डाल दिया आपने, चुनरी जो कुछ भी सब आइटम आया था वो सब आपने इसके अंदर डाल के, है ना? ये लेके हाँ, ये ऊपर डाल देते हैं। अच्छा, इस तरह से ऊपर डाल देते हैं और वो जमा होती रहती है। जमा हो जाती है। आ पोटलियों ने मूर्ति नी ऊपर जमा करवामा आवे छे। एक दिवस आ पोटलियों नी अंदर ज आग लागे छे। चुंदड़ी मां नायलॉन नो उपयोग थाय छे जे झड़प थी आग पकड़े छे। इसका मटेरियल देखिए, इसका मटेरियल जो है वो नायलॉन का बना हुआ होता है और बहुत ज़्यादा कंबस्टिबल होता है, मतलब बहुत आसानी से ये आग पकड़ लेता है और एक बार आग पकड़ लेता है तो उसके बाद फिर आग बहुत तेज़ी से
फैल जाती है। और जितना यहाँ पर ढेर लगा हुआ, मतलब लाखों की तादाद में यहाँ पर जमा है, यहाँ से हटाया नहीं जाता है। और मंदिरों में तो होता है कि चुनरी चढ़ती है और फिर उसको हटा दिया जाता है, लेकिन यहाँ पर लगातार ये चुनरी जमा होती रहती है और ये लाखों की तादाद में यहाँ पर जमा है। और एक चिंगारी भी अगर इसको मिल जाएगी तो ये बिल्कुल भड़क उठेगी, आग भड़क जाएगी। लेकिन सवाल यही उठता है कि वो एक चिंगारी आती कहाँ से? आग प्रथम क्यांकती तो लागती हशे, पण क्यांती अने केवी रीते ते एक रहस्य छे। केम के हवन पण मंदिरनी बहार करवामां आवे छे, अगरबत्ती मंदिरनी बहार प्रगटाववामां आवे छे, ज्यां लोको मानता माटे दोरो बांधे छे। मंदिरमां आगना नाम पर अखंड ज्योत प्रगटे छे, જે કાચના એક ડબ્બામાં પૂરી રીતે બંધ રહે છે। यहाँ पर ये ज्वाला रखी हुई है, दीपक है जो कंटिन्यूअसली जलता रहता है, तेल डालते हैं, अखंड दीपक है। और इस दीपक को भी एक हाउसिंग में, ये शीशे की हाउसिंग है, इसमें बंद करके रखा हुआ है। मतलब ऐसा नहीं है कि ये खुला हुआ है तो चिंगारी कहीं से निकल जाएगी, बाकायदा शीशे के और स्टील के दरवाजे हैं जिसमें ये दीपक रखा हुआ है और ये बंद रहता है पूरी तरह से, इस तरह से बंद कर दिया जाता है। और ये भी प्रतिमा से काफी दूर है। देवी जारे अग्नि स्नान करे छे त्यारे रोशनी मां नहाय छे, नहीं तो मंदिर मां हमेशा अंधारू ज होय छे। परंतु भक्तों ना हृदय में आस्था की रोशनी सतत प्रज्वलित होय छे। आज कारण छे के अहीं दूर दूर थी लोको दर्शन माटे आवे छे।